एंड मैडम इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी विदिशा एंड मैडम आई एम ऑल्सो द रिच एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग ऑफ 5+ ईयर एंड टूडे एज वी नो द टॉपिक ऑन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सो दिस इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एजुकेशन मिनिस्ट्री इन 2020 एंड सो एज वी आर नो दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट implementation of the government on the education. So we have today we are going to be, have the chance to know more about this policy because we all are related to the academia. So we must know about that. So definitely today, madam, give us some more insight about the new education policy. So dear participant, keep patience and use your pen and notebook to write the silent feature of this policy. And now I request to the my friend Dinesh Chand, please proceed ahead. Thank you so much. Hello, Dinesh sir. Okay, sir. Okay. Thank you. Now I would request Dr. Pinkesh Lata Raghunchi ma'am to proceed with the presentation part. Thanks a lot, Sad Bhai. Such a nice introduction about myself. अभी दिनेश जी ने इस वेबिनार का जो शुभारंभ किया था तो उस श्लोक को मैंने ही चयन किया था कि सोचा था पहले मैं इसी से शुरुआत करूंगी कि आज इस पैंडेमिक के दौर पे हम सभी लिटरली यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपदा का समय है, हम सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन हम शिक्षक हैं और आपदा को भी अवसर में कैसे बदला जा सकता है इसका इससे सुंदर उदाहरण और क्या मिल सकता है कि आज इस वेबिनार के माध्यम से हम लोग प्रत्यक्ष ना सही तकनीकी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जो विषय मेरी ओर दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसकी आवश्यकता वास्तव में क्यों है। एक विष्णु पुराण का श्लोक है, तत्कर्म यन वंदाए सा विद्या या विमुक्ताए आया साया परम कर्म विद्या अन्या शिल्प नैपुणम। इस श्लोक के अनुसार ये कहा गया है कि विद्या वही है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाती है, अन्य कर्म जो है वो केवल श्रम मात्र है और अन्य विधाएं केवल यांत्रिक निपुणता है। अर्थात वास्तव में कहा जाए तो विद्या वही है जो मुक्त करती है या हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। किंतु क्या स्वतंत्रता से लेकर अभी तक हमारी शिक्षा नीति और हमें प्राप्त होने वाली विद्या शिक्षा हमें मुक्ति की ओर ले जा रही है या हमें और अधिक बंधन युक्त कर रही है। इस आपदा के समय में वास्तव में हमें हमारी 70 वर्ष की शिक्षा नीति का आकलन करने का और ये अनुभव करने का कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। बहुत अच्छा एक उदाहरण है, देखिए आप आज के समय में जब आपदा है हम सभी एज ए स्टूडेंट एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और शिक्षाविद होने के नाते इस समय अपने आप को कहाँ पाते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम बिल्कुल। तो इस शिक्षा नीति को वास्तव में अगर हम कहा जाए कि क्यों आवश्यकता पड़ी तो आज आपदा का समय है। मैं स्वयं डॉक्टर हूँ, एकेडमिक्स पीएचडी इन इंग्लिश लिटरेचर, पर आज की डेट में अगर मुझे कहा जाए कि मैं समाज के लिए राष्ट्र के लिए क्या दे रही हूँ तो मेरी शिक्षा मुझे वास्तव में हाथों में बांधकर खड़ा कर देने वाली हो गई है। आज जिस तरह की आवश्यकता है उस समय मेरी शिक्षा क्या उपयोगी हो रही है। तो आज हमें इस शिक्षा नीति की इसीलिए आवश्यकता पड़ रही है कि जो शिक्षा दी जा रही है वो केवल सैद्धांतिक रूप से ना होकर व्यावहारिक रूप में भी हमारे काम में आए। उदाहरण के लिए मैं पुनः एक श्लोक का उच्चारण करूंगी कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। विद्या क्या करती है? हमें विनय प्रदान करती है। हम विनम्र हैं,
लेकिन वर्तमान समय की सबसे बड़ी क्या समस्या है कि जितनी बड़ी डिग्री उतना अधिक समाज और सामान्य जन से दूरी। हमने देखा होगा कि जो हम अध्ययन करते हैं शिक्षा नीति का, जब तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात अनेक शिक्षा आयोगों का गठन किया गया, उनकी अनुशंसाएं आई, जैसे राधा कृष्णन आयोग, कोठारी कमीशन, और जो 1968 में डॉक्टर दौलत राम कोठारी जी की अध्यक्षता में जो कमीशन आया था, जो शिक्षा नीति आई थी, वास्तव में आज हम इसको NEP जब बोलते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बट उसके पहले 1968 में ही डॉक्टर दौलत राम कोठारी ने जो अनुशंसाएं की थी वो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से ही की थी। और आपको आश्चर्य होगा कि उसकी प्रस्तावना में, इंट्रोडक्शन जो लिखा उन्होंने, उसमें उन्होंने उस समय ही उल्लेख किया था कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारी जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है वो भारत केंद्रित ना होकर यूरोप केंद्रित है, और आज हम सभी मानसिक गुलाम बनकर ही अपने देश में रह रहे हैं। तो ऐसी नीतियां तो अनेक आई पर उनका इम्प्लीमेंटेशन उचित रूप में नहीं हुआ। आज अनेक लोगों के परिश्रम, यानी 2015 से लेकर 2020 तक 5 वर्ष का सतत परिश्रम, 2.5 लाख लोगों से अधिक लोगों के सुझाव, और अंतरिक्ष की सीमाओं को नापने वाले दूरदर्शी के कस्तूरी रंजन जी और उनकी टोली के अद्वितीय परिश्रम के उपरांत हमको ये बहुप्रतीक्षित शिक्षा नीति 2020 हमारे सामने है, जिसका हम सब, अभी जैसा इरशाद भाई ने कहा था कि हम सब एकेडमिक लोग हैं, तो वास्तव में हम सभी को तो इसका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करना चाहिए। अगर 36 वर्ष के पश्चात कुछ ठोस निर्णय और 70 वर्ष के पश्चात भारत केंद्र शिक्षा नीति, अब वास्तव में हमको सा विद्या या विमुक्त के को चरितार्थ करती हुई प्रतीत हो रही है। कुछ विशेष बिंदु हैं जो मैं आपकी ओर अवगत कराना चाहती हूँ कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला, हम सभी जानते हैं कि हम सब जो SAEC के रूप में आप लोग इतना बड़ा शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं कि हम सभी अभी तक किस संरचना के अंतर्गत आते थे, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसके अंतर्गत हमारी सारी शिक्षा विभाग, सारी शिक्षा नीतियां, सारे के सारे शिक्षा से संबंधित कार्य आते थे। तो ये सबसे बड़ा जो एक परिवर्तन किया गया वो ये बताया गया कि शिक्षा जैसी चीज और उसको, इतने महत्वपूर्ण विषय को संभालने वाला संस्थान, और उस संस्थान का नाम क्या था, मानव विकास, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। यानी मानव को किस रूप में ढाला गया था, रिसोर्स, संसाधन। क्या हम संसाधन हैं, इस बात पर हमें विचार करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा स्वागत योग परिवर्तन है कि अब इसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से पुकारा जाएगा और पुकारा जाने लगा है। क्यों? क्योंकि वास्तव में शिक्षा क्या है, मनुष्य निर्माण करने वाली शिक्षा ही तो हमारे संस्थान होते हैं। अतः ये जो एक बड़ा नाम और इस मंत्रालय को संभालने वाले व्यक्ति को शिक्षा मंत्री, ऐसा एक संबोधन दिया गया है, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री श्री रमेश निशंक पोखरियाल जी के माध्यम से हमारा शिक्षा का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब बात आती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो जो परिवर्तन मुख्य रूप से आया है कि वैदिक काल में भी यह होता था कि शिक्षा जो है राज शासन से मुक्त होती थी, और इसीलिए भारतवर्ष इतना प्राचीन गौरवशाली परंपराओं को मानने वाला रहा, तक्षशिला, नालंदा, ऐसे हमारे बड़े बड़े गुरुकुल रहे। अभी अगर आप सभी में से जिसको भी अध्ययन की अभिरुचि हो, तो 1822 में एक अंग्रेजों के आगमन के बाद एक सर्वे किया गया था, जिसका उल्लेख द ब्यूटीफुल ट्री, धर्मपाल जी ने एक पुस्तक लिखी हुई है, उसमें उस रिसर्च पेपर में ये बताया गया था कि हम उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी ही जो एक एरिया था डिवाइड, उसी में वहां के ही केवल 1 लाख गांव जो है वो विद्यालयों से युक्त थे। यानी हमारा देश 100% साक्षरता वाला देश था, और आज हम 70 वर्षों बाद भी आज अपने आप को कह नहीं सकते कि हम 100% साक्षर हो चुके हैं। तो कहां से हम कहां आ गए,
इस बात को चिन्हित करते हुए इस शिक्षा नीति में राष्ट्रीयता और भारत बोध का महत्वपूर्ण एंगल जोड़ा गया है। केवल पाश्चात्य ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, इस अवधारणा को तोड़ते हुए भारतीय सांस्कृतिक जड़ों को भी स्वीकार किया गया है। भारतीय भाषाओं को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और हम सब जो जिस एजुकेशनल संस्थान से जुड़े हैं, हम टेक्निकली जहां हम डील करने वाले हैं उच्च शिक्षा, वहां तक आते आते एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव किया गया है। 10+2 जो शिक्षा पद्धति थी उसको बदलकर 3+5+3 जो नई शिक्षा नीति में जो एक नया शैक्षणिक बदलाव किया गया है कि अब 3 वर्ष शिक्षा को आयु के अनुसार जोड़ा गया है। 3 वर्ष तक शिक्षा जो शिशु शिक्षा है वो, 5 से 6 तक जो बच्चा है वो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करेगा, 3 से 5 कक्षाओं तक, और 6 से लेकर 8 तक वो कौशल आधारित यानी स्किल बेस्ड एजुकेशन प्राप्त करेगा, और 9 से 12 उसे विषयों के चयन की स्वतंत्रता होगी। अब यहाँ विषयों के चयन में बस इतना इंगित भर कर रही हूँ कि विषय चयन जो होगा, तो अभी हमने एक सिस्टम में उनको पिरो दिया था कि साइंस के स्टूडेंट मैथमेटिक्स एंड साइंस एक अलग ग्रुप हो गया, आर्ट्स एक अलग ग्रुप हो गया, कॉमर्स एक अलग ग्रुप हो गया। इन सारे ग्रुप्स को अलग तरीके से करते हुए अब एक विज्ञान का विद्यार्थी साहित्य या संगीत का भी अध्ययन कर सकेगा। अब बारी आती है हमारी शिक्षा, उच्च शिक्षा की ओर। तो जितना हम सब आज के परिदृश्य में संघर्ष कर रहे हैं, संभवतः कोई नहीं कर पा रहा होगा। 1.5 और 2 वर्ष से हमारे प्रोफेसर्स अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते होंगे कि हम कहाँ कक्षाओं में जाकर शिक्षा देने वाले लोग आज तकनीकी रूप में वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं और वो कितनी फलीभूत हो रही हैं, ये हम और आप सभी जानते हैं। इस शिक्षा में बहुत अधिक परिवर्तन किए गए हैं। शिक्षा को एक तो फ्लेक्सिबल बनाया गया है, दूसरा हम अभी तक केवल अच्छी ऐसा कहा जाए कि चिकित्सक तो बना रहे थे, इंजीनियर तो बना रहे थे, अधिवक्ता तो बना रहे थे, लेकिन हम उनको मशीनरी की तरह ढाल रहे थे। अब वास्तव में हम उनको मानव बनाने वाले हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि ये जो शिक्षा है वो मनुष्य निर्माण करने वाली शिक्षा होनी चाहिए और मनुष्य को मनुष्य बनाए, मशीन नहीं, जहाँ संवेदनाओं और भावनाओं का अभाव ना हो। तो अभी तक हम देखते थे कि हम एक अच्छा इंजीनियर बनाने के लिए हमने अपने संस्थान में बहुत अच्छी एक लैब बना दी है, जहाँ पर बच्चे जाकर एक टाइम टू टाइम पीरियड में जा रहे हैं, अपना ज्ञान ले रहे हैं और बाहर निकल के आ जा रहे हैं। पर उनकी शिक्षा आप स्वयं जानते होंगे कि जैसे कि आपका डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियर का, इंजीनियरिंग संस्थान का है, आप और हम बिल्कुल अपने हृदय पर हाथ रख के कहें तो कि क्या हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से पास आउट इंजीनियर आफ्टर 4 ईयर एक इंजन को, उसके खुद की गाड़ी के इंजन को बना सकता है क्या? वो कहाँ लेके जा रहा है? किसी मैकेनिक के पास लेके जा रहा है। यही आपने अन्य विधाओं में देखा होगा कि आज MSc और BSc आज की सबसे महती आवश्यकता आपदा प्रबंधन के समय क्या आ रही है कि एक MSc पास आउट स्टूडेंट एक पेशेंट को ड्रिप भी नहीं लगा पा रहा है। ये हमारे ज्ञान की कमियां है। हम सबको इस ओर विशेष ध्यान देना होगा और ये सारा का सारा अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यानी स्किल बेस्ड अधिक कर दिया गया है, बजाय कि सैद्धांतिक ज्ञान की ओर, यानी 50% अब उसे, चाहे वो इंजीनियरिंग करे, चाहे वो फार्मेसी करे, चाहे वो किसी विधा में जाए, उसे साहित्य इतिहास संस्कृति को पढ़ना होगा और सहजता से उसे अपने आप को ये ध्यान में लाना होगा कि वो जो ज्ञान है वो वास्तव में कहाँ उपयोगी है। बात आती है रिसर्च की, अनुसंधान के महत्व की। तो इस शिक्षा पद्धति को लागू होने के पहले ही राष्ट्रीय अनुसंधान आयोग NRF का गठन किया गया है और उन्होंने शोध और अनुसंधान को बल देने के लिए जब ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसके पहले ही उसको एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है शोध के लिए उन्होंने अलॉट किया हुआ है। अब आप जानते होंगे कि आज भी हमारे देश में प्रतिवर्ष 30,000 PhD अवार्ड होते हैं, लेकिन आज इस समस्या के समय सारे के सारे रिसर्च, सारे के सारे शोध कहाँ है, ये प्रश्न है। इसीलिए वास्तविक ज्ञान हो, रिसर्च सिद्धांतिक रूप से हो, प्रायोगिक रूप से हो और व्यवहारिक कार्य में आए, राष्ट्र की उपयोगिता बढ़ाए,
इसलिए पृथक से 22,000 करोड़ का बजट इस हेतु हमारे शासन ने स्वीकृत किया है और वो लागू भी हो गया है, इस संस्थान को दे भी दिया गया है। अब हमारी शिक्षा की पहुंच वैश्विक कैसे होना, तो मैं जितने भी इंजीनियरिंग संस्थान हैं, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, वहां आपके यहाँ जब स्टूडेंट एडमिशन लेने आता है तो उसका पेरेंट्स पहला प्रश्न आपसे करता है, सर पैकेज क्या है यहाँ का, यहाँ के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहा है। और बड़े बड़े बोर्डों पर वो सेक के रूप में भी आपने बहुत अच्छे छात्र निकालने होंगे जो देश और विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन विदेशों में हमारे छात्र सेवाएं दे रहे हैं, क्या विदेश के बच्चे सेग में आकर अध्ययन करना चाहिए कि नहीं चाहिए? उसका उत्तर इस शिक्षा पॉलिसी ने ये दिया है कि अब विश्व के अनेक विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो भी भारत आकर भारतीय कैंपसों में अध्ययन कर पाएंगे, लेकिन हमारे नियमों पर आधारित होकर हमारी शिक्षा पॉलिसी को पालन करते हुए। तो ये बहुत बड़ा गौरव और गर्व का विषय है कि अगर सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा कार्य करता है, उसके यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, संस्थान है, सारक का सारा शैक्षणिक अनुभव है, तो क्यों ना विदेश के छात्र भी यहाँ आकर अध्ययन करें और यहाँ का लाभ लें। और सारी की सारी चीज सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है वो है शिक्षकों का सम्मान। हम और आप आज केवल आप सबकी एक जो विल पावर है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उस पर उसी को लेकर आज बैठे हुए हैं कि इस बहुत बड़े विपत्ति के समय में भी आप वेबिनार कर रहे हैं, आप लोगों को जोड़ रहे हैं, आप लोगों के बीच चर्चा कर रहे हैं, आप शिक्षा, वो लोग आप तक नहीं पहुंच रहे तो आप उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सब क्या है वास्तव में इस शिक्षा का मेरुदंड है, मेरुदंड इसमें स्माइलर, और उसका स्थान सर्वोपरि होना ही चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? अभी हम सभी समझते हैं कि संभवतः ऐसा बीच में जो है शिक्षा की गुणवत्ता जो है कम हो गई थी, इसलिए हम सबका सम्मान भी कम हुआ था और इसलिए हम लोग ऐसा मानते थे कि बाई चांस शिक्षक बन रहे हैं। पर अब वास्तव में हमें ये ध्यान देना होगा कि बाई चांस नहीं, हम बाई च्वाइस शिक्षा को ग्रहण करें। हमारे विश्वविद्यालय का, हमारे महाविद्यालय का जो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी है वो सबसे पहली प्राथमिकता ये दे कि उसे अपने ही संस्थान में कुछ समय के लिए सेवाएं देना है, और जब वो अपनी सेवाएं सर्वोत्कृष्ट सेवाएं देगा तो निश्चित रूप से प्रत्येक संस्थान बहुत आगे बढ़ेगा, अपनी संभावनाओं को लेकर आएगा। और कोठारी आयोग की जो अनुशंसाएं अभूतपूर्व थी पर सफल नहीं हो पाई, पर इस शिक्षा नीति की जो समस्त अच्छे सुझाव हैं उनको लागू करने में शासन की इच्छा शक्ति, शिक्षकों की तत्परता, एकेडमिक नेतृत्व का दायित्व लेने की मनसा, शोधकर्ताओं, अभिभावकों और छात्रों के साथ साथ संपूर्ण समाज का यदि सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से ये जो शिक्षा नीति आई है वो हमको बंधन से युक्त करने वाली नहीं अपितु बंधन से मुक्त करने वाली होगी। अब कुछ बिंदु मैं आप सभी से साझा करना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे पास शायद 5 या 10 मिनट का ही समय है ना सर? मैम है 10 मिनट है अपने पास जी, तो मैं 10 मिनट आपसे व्यक्तिगत कुछ अनुरोध है मेरे आप सभी से। आप सब भोपाल से लेकर आपकी इंदौर में सब दूर ब्रांचेस हैं और इस समय से आप सभी भली भांति परिचित हैं। ये आपदा का समय है और आपदा अगर राष्ट्र पर आती है तो निश्चित रूप से वो प्रत्येक व्यक्ति से होते हुए ही जाती है। हम सभी का सबसे पहला और प्रमुख दायित्व है आप सब अपने स्थान पर रहें तो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने आसपास, अपने परिवार के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करें। आपदा है लेकिन मन को तोड़ने वाली नहीं है, ये मन को जोड़ने वाली है। हम हाथ पकड़कर नहीं चल सकते लेकिन किसी का हाथ ना छूटे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगर इस संस्थान ने इस चीज का पालन निश्चित रूप से किसी न किसी रूप से किया, आपके छात्रों के माध्यम से, आपके शिक्षकों के माध्यम से, इतना बड़ा आप संस्थान लेके चला रहे हैं उस संस्थान के माध्यम से, और मुझे जानकारी में है, मैं अवगत हूँ इस बात से कि आपका संस्थान कार्य कर भी रहा है, होम आइसोलेशन से लेकर बहुत सारी सुविधाओं के लिए आपने अपना संस्थान उपलब्ध कराया है, सहयोग किया है। पर प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ जुड़ा हुआ है, इंडिविजुअल भी, अगर वो स्वयं स्वस्थ है, अपने लोगों को लेकर साथ में चल रहा है और अपने छात्रों को ये गाइड कर रहा है कि वो जहाँ है, जिस स्थान पर है, उस स्थान पर रहने वाले लोगों को अवेयर करें,
अभी इस आपदा के समय में जिससे जितना जैसा सहयोग बन पड़ रहा है, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अनुरोध करें, मास्क के लिए उसको बताएं कि कितना महत्वपूर्ण है, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, और ये जो आपदा का समय है इसको अवसर में ऐसे बनाएं कि अब हम सब जान रहे हैं हमारे आसपास हमारे अपने लोग इससे पीड़ित हैं। मैं स्वयं आज उस कंडीशन में आप सबसे चर्चा कर रही हूँ, पॉजिटिव हूँ, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये रोग पॉजिटिव आया है पर हम सबको नेगेटिव करने नहीं आया, हम सबको सकारात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ने के लिए आया है। हम सब जुड़े, क्या बन सकता है, क्या अच्छा कर सकते हैं, हम भोपाल में हैं तो भोपाल के लिए, हम भोपाल से बाहर हैं तो वहां के लिए, और हमारे छात्र जिन स्थानों पर हैं वहां पर खड़े होकर जागरूकता के रूप में स्वयं को ही ठीक रखते हुए कितना कुछ समाज की, इस देश की, इस राष्ट्र की सहायता कर सकते हैं, करें। हमारे पास बहुत समय आएगा जब हम एक दूसरे की आलोचना कर पाएंगे, पर आज एक होकर लड़ने का समय है, जुड़ने का समय है, और इस शिक्षा में हम जितना भी जानते हैं, आप क्या फार्मेसी की संस्था है, आप लोग वहां के छात्रों को मोटिवेट करें, कुछ नया प्रयोग करें, कुछ नया निकालें। आप लोग मैकेनिकल इंजीनियर इतने सारे निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर एक बहुत बड़ी आज के समय में आवश्यकता पड़ गई है, हमारे माध्यम से अगर सिलेंडर बन भी पाते हैं तो हम बनाने का, लोगों को प्रेरित करने का कार्य करें। और आप सब निश्चित रूप से श्रद्धा के और सम्मान के पात्र हैं, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, और इस आपदा के समय में लोगों को जोड़कर उनको शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। आप सभी के धैर्य को, आप सभी के समर्पण को, आप सभी के संबल को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। और मुझे कुछ विषय, चूंकि आज मुझे लग रहा है कि मैं प्रत्यक्ष रूप से जब कभी संभव हुआ एक एक बिंदु पर आपसे चर्चा करके, आपके साथ बैठकर एक एक बिंदु पर उस समय चर्चा करूंगी, पर आज आपदा का समय है तो हम सब जुड़कर हमसे जो अच्छा बन पड़ता है वो करने का प्रयास करें। ऐसी हम सबकी मंशा रहे, ऐसी हम सभी की आग्रह और अपेक्षा है, और आप सभी ने जोड़ा, मुझे केवल अपने बात आप तक पहुंचानी थी और एक माध्यम आप लोग मेरे लिए बने, इस हेतु हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं आप सभी को साधुवाद देती हूँ। आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ईश्वर आपको हर एक, आप मतलब इतने सक्षम बन पाए कि आप ना केवल अपना अपितु समाज का कुछ ना कुछ हेतु साध पाए, ऐसी शुभकामना सहित आप सभी को सादर साधुवाद प्रणाम। Thank you, ma'am. Thanks for the wonderful session. Now, I would like to invite Dr. Nitin Tingoria, sir, HOD Department of Mechanical Engineering, to give a vote of thanks. Sir. First of all, I would like to say thank you, ma'am, for accepting our request for give lecture on this topic. And jaisa ki madam ne kaha ki ab jo education hai, puri ki puri skill-based ho gayi hai. तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं और ये वेबिनार ध्यान से सुन रहे हैं, वो अपने साथियों को भी बोलें कि भाई सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होगा, वर्क ऑन स्किल। जैसे अपन प्रोजेक्ट बनाते हैं, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, तो ये अपन जो बनाते हैं ये आप लोगों की जो मैकेनिकल स्किल है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए, आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए अपन ये बनाते हैं। आज भी ने इसको स्कीम में लिया हुआ है, तो उस पर काम करें। और मैडम ने बहुत अच्छी, मतलब पुराने भी पॉइंट्स बताए उन्होंने कि भाई कैसे कैसे एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हुआ। तो मैम थैंक यू सो मच, मतलब आपने बहुत 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 जबरदस्त तरीके से स्टडी करके रखा हुआ है और हम लोगों को बताया आपने सारे घंटे में बिल्कुल कंक्लूड करके, बहुत ही अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद नितिन जी, और कभी हम इस पैंडेमिक से निश्चित रूप से निपटेंगे और निकल कर ही आएंगे, हमारे विल पावर है, और एक दिन प्रत्यक्ष रूप से मैं आपके संस्थान में आऊंगी, सबसे व्यक्तिगत रूप से बैठ करके और एक एक बिंदु पर चर्चा करूंगी निश्चित रूप से, और ये समय आएगा डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। Ma'am, on behalf of Mechanical Engineering SIRT Group, I am giving this certificate to you. Kindly accept this. धन्यवाद, धन्यवाद, आभार. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. आप सभी का हृदय से धन्यवाद. आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और हम सब प्रत्यक्ष रूप से जल्दी बैठ कर पाएं. आप सब आपस में भी, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप सब प्रत्यक्ष रूप से आप भी नहीं मिल पा रहे होंगे, संस्थान की व्यक्तिगत सामाजिक मर्यादाएं हैं,
पर अभी आज हम इन मर्यादाओं का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त कर पाएंगे, और यही तो शिक्षा की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि शिक्षा जो है लोगों को लड़ने का माध्यम देती है। तो आप सभी के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। दिनेश।